नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ पेनी स्टॉक के बारे में। और कुछ क्या मतलब, एक ही स्टॉक है। नीचे आप कमेंट कर सकते हो अपना स्टॉक का नाम, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो लेके आऊंगा। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन इसने हमें नंबर दिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। मतलब 8 से 9 गुना पैसे से कर दिया है। 6 रुपए 5 रुपए के भाव में आपको रिकमेंड किया था, बहुत लोगों ने बेनिफिट भी लिया है। ठीक है, और 400 रुपए 500 रुपए के आपको सपने दिखाया जा रहा है कि स्टॉक दिखाएगा। ध्यान सुन लो, 400 भी जाएगा, 100 रुपए भी जाएगा, लेकिन उससे पहले एक डीप करेक्शन आएगी। ठीक है, पांच वाली चीज अगर 50 हो जाती है तो 50 से 500 जाने से पहले वो 10 बार नीचे गिरता है प्राइस। ठीक है, तो ये स्टॉक 50 से जो इसका मिड रेंज बनता है 5 और 50 का, वो कितना बनता है 25 रुपए। तो 25 से 20 रुपए की रेंज इसको आना पड़ेगा, अगर प्राइस करेक्शन हम बोलेंगे ना तो उसको आना पड़ेगा। उसके बाद एक मूवमेंट आएगी बड़ी, जो उसको 400 रुपए 300 रुपए तक लेके जाएगी। इस बात को ध्यान में रख लो। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो प्राइस के मामले में कि भैया यही प्राइस चाहिए, मान लो 45 में आपने बाय किया और आपकी क्षमता नहीं है कि स्टॉक को आप 25-30 रुपए में एड कर पाओ, तो भैया इंतजार करो 25 रुपए के भाव में आने का स्टॉक का, उससे पहले बाय मत करो। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम सुजलॉन शेयर है। टाइटल समझ आ चुका होगा आपको। ठीक है, अब आपको प्रमाण देने की जरूरत है कि मैंने स्टॉक कब रिकमेंड किया था, शायद नहीं है। बहुत लोगों ने इसमें पैसा कमाया है। ठीक है, और उसी वजह से बहुत सारे लोगों ने हमारा जो पेड क्लास है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया है। तो आप भी चाहते हो तो आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे पैनी स्टॉक में वहां बात की जाती है, आपको पैटर्न बताया जाएगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा मतलब 2 से 3 सालों में जो आपका रिटर्न है 4 से 5 गुना हो सकता है। ठीक है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है, कितने पोर्टफोलियो में आपको स्टॉक ऐड कर रहे हैं, लार्ज कैप लेके, मिड कैप लेके, स्मॉल कैप लेके, पेनी स्टॉक बिलो 1K स्टॉक बताए जाते हैं। तो भैया आ जाओ, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो फालतू में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं स्टॉक के बारे में मेरा खुद कंप्लीट व्यू। मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला कि किसका पैसा आने वाला, किसका पैसा जाने वाला, न्यूज की बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, न्यूज की बात तब होती है जब न्यूज बन जाती है, राइट। हमने स्टॉक आपको 5-6 रुपए का बताया था प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके कि 3 रुपए का स्टॉक लॉस है। उसके पीछे का लॉजिक जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर है और जो हमारे पेड ग्रुप में है उनको पता है। ठीक है, अब आप न्यूज को चेस करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना सिर्फ 70-80% रिटर्न आता है। मतलब 50 में आपने एंट्री करी अगर न्यूज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो 100 रुपए चले जाएगा। ठीक है, 70 रुपए चले जाएगा, उसके में आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। लेकिन जिसने 5 रुपए भाव पे बाय करा हुआ है उसने 15 से 20 रुपए में आराम से निकाला होगा प्राइस, या अभी थोड़ी बहुत क्वांटिटी छोड़ दी होगी जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दे दूंगा, मतलब नंबर उसमें मैसेज कर देना। बाकी हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि 25 रुपए के भाव में भी बाय करना, उससे पहले बाय मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। दुनिया जैसे उधर हो जाए, बोलते कि भाई 10,000 जा रहा है, 500 जा रहा है, मत बाय करो। प्राइस के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, प्राइस करेक्शन होती है हर चीज में। ठीक है भाई, तो अभी जो भाव चल रहा है सुजलॉन का चल रहा है 42। अब ध्यान देख लो क्या रिटर्न स्टॉक ने कमा के दी है। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न। ठीक है, अब स्टॉक में आपको क्या करना है, मैंने बोला प्राइस करेक्शन होती है तो होती है, तो भैया इंतजार करो, प्राइस करेक्शन होगी होगी, प्राइस करेक्शन हमें होगी होगी। ठीक है, तो स्टॉक अगर आपको 5 में मिलता तो वहीं बाय करना, उससे पहले बाय मत करना, मत करना, मत करना। ठीक है, मेरा यही व्यू है आप लोगों के लिए, राइट। अब सुन लो एक बात और, अब ये स्टॉक देखो यहां से पंप होना स्टार्ट हुआ है तो अब कितना आ जाएगा, मैंने बोला ना 50% करेक्शन लेके चलो। अब आप बोलोगे सर इसमें ये खबर आ रही है, इसमें वो खबर आ रही है, भैया साइड में रखो खबरें। ठीक है, मार्केट खबरों के वजह चलती है, मुझे पता है, लेकिन जो खबर देखो, जो खबर आपको भी दिखाई जा रही है वो खबर बड़े बंदों को पहले से पता था कि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आने वाली है, कंपनी को इसमें इंक्लूड FII जो होती है, बड़ा जो बेंचमार्क होता है उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो सब खबरें सबको पहले से पता था। अब आप बोलोगे सर मुझे पता था, मुझे हाँ पता था, थोड़ा बहुत पता था। कैसे पता था, मेरा प्राइस एक्शन चार्ट मुझे कह रहा था, मुझे इंटरनल खबरें नहीं पता कि भैया बड़े बड़े लोग सर मेरा उठा बैठना नहीं है, लेकिन मुझे जो प्राइस एक्शन है मेरा वो कह रहा था विवेक, दिस इज द पेनी स्टॉक जो हमें मल्टीपल रिटर्न देगा, उसने दिया। ठीक है, आज की डेट में इसके प्रॉफिट इतने अच्छे आ रहे हैं, जब हमने आपको यहाँ सजेस्ट किया था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर देखो लॉस था। ठीक है, और आज कंपनी देखो प्रॉफिटेबल बिजनेस आ चुकी है, तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी ने अपनी होल्डिंग भी अनप्लेज करवा ली है, तो खबरें इसके फेवर में जा रही है। ठीक है, तो खबरें अगर फेवर में जा रही है तो भैया चेस करो, अरे मत करो चीज बाबा, बहुत सारे स्टॉक है। अब इसकी जगह सुंदर मल्टी पेपर है, विकास इको है, ऐसे अनगिनत पेनी स्टॉक है जो अभी सस्ते दामों में मिल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई बाय नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान सुन लो, हर प्राइस का एक
इन्वेस्टमेंट तरीका होता है, आपको एक प्राइस देखना है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी है। जैसे हमने सोचा 5 रुपए 6 रुपए के प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अब ये थोड़ा ना कि 10 रुपए गया मैंने ऐड कर लिया, 15 रुपए गया मैंने ऐड कर लिया, वो तरीका मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। वो अगर आप करते हो आप कर सकते हो, मैं नहीं करता हूँ पर्सनली, ठीक है। तो मेरा सुझाव में क्या व्यू है, 25 से 30 रुपए के भाव में आपको ऐड करना, उससे पहले नहीं करना, जो लोग बाय करना चाहते हैं। और जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो भाई 5 रुपए 6 रुपए में अगर आपने बाय किया तो 1x तो रिटर्न ले लो पहले, और उसके बाद कुछ क्वांटिटी छोड़ दो वो 300 रुपए 400 रुपए के टारगेट के लिए, वहां तक जाएगा स्टॉक, जिसको टाइम लगेगा, ठीक है। 2028 2030 तक जाने की उम्मीद अभी नहीं, ठीक है, 4 से 5 साल लगेगा कम से कम वहां जाने के लिए, लेकिन आपको इंतजार और टाइम देना पड़ेगा। और जिनके पास ऑलरेडी है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक बांध सकते हैं, और जो नया ऐड करना चाहते हैं 20 से 25 रुपए के भाव में करो, उससे पहले मत करो भाई, ठीक है भाई। तो ये भी है सुझाव के बारे में, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।